everyone, hope you all are well and healthy at your home. मैं वंदना आज तुम लोगों को इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के बारे में इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ. जैसा कि तुम लोग यहाँ देख रही हो, इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी एज हैविंग टू मेजर साइड्स. फर्स्ट देयर इज इंडस्ट्रियल साइड विच इन्वॉल्व्स looking at how to best match individual to specific job roles. The segment of IO psychology is also sometimes referred to as personal psychology. People who work in this area might assess employee characteristic and then match these individuals to job in which they are likely to perform well. Other function that fall on the industrial side of IO psychology include training, employee developing, job performance standards and measuring job performance. Industrial or organization psychology जो है वो totally तुम्हारा ऐसे लोगों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं और जानते हैं मनोवैज्ञानिक तौर तरीके से, जो कि एक particular characteristic जो है उन लोगों का, और जो ऐसे माहौल में काम करते हैं जहाँ पर कि इंडस्ट्रियल तरीके से वहाँ परफॉर्म करते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड तरीके से वहाँ पे उन लोगों का मापन किया जाता है, उनका जॉब परफॉर्मेंस देखा जाता है. और इस तरह से जो है उसमें हम एक ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति कितने बेहतर तरीके से वर्क करता है, कैसे उसका रिक्रूटमेंट किया जाता है, कैसे वहाँ उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, ये सब के बारे में जो उसमें बताया जाता है. अकॉर्डिंग टू द मुंचिंस्की बुक साइकोलॉजी अप्लाइड टू वर्क एंड इंट्रोडक्शन टू इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, मोस्ट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट वर्क इन वन ऑफ सिक्स मेजर सब्जेक्ट एरियाज. सबसे पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. Professionals in this area often determine what type of skill are necessary to perform a specific job as well as develop and evaluate employee training programs. जितने भी इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट है वो किस तरह से कौन कौन से ऐसे मेजर एरियाज में वर्क करते हैं. जैसे कि पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में वो बहुत सारे स्किल्स का परफॉर्म स्किल्स के द्वारा परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक जॉब के लिए, डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप करवाते हैं ताकि वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो बेहतर तरीके से काम को सीख कर जो है उसमें अपना उचित योगदान दे सकें. इसके बाद है एम्प्लॉई सेलेक्शन. एम्प्लॉई सेलेक्शन भी एक मुख्य प्रक्रिया होती है. दिस एरिया इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एम्प्लॉई सेलेक्शन असेसमेंट सच एज स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिटरमाइन If job applicants are qualified for a particular position. सही काम के लिए सही आदमियों का निर्धारण करना, सिलेक्शन करना भी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के में सबसे मुख्य रूप भूमिका जो है अदा करता है. Ergonomics, the field of ergonomics involves designing procedures and equipment designed to maximize. तो इस तरह से जो है ये ergonomics में जो है वो विभिन्न तरह के design और equipments इत्यादि का निर्धारण जो है इसके अंतर्गत जो है वो किया जाता है. तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में सिर्फ जो है वो हम इन मनोवैज्ञानिक तरीके से ही उसका अध्ययन करना ही सिर्फ इसका काम नहीं है, बल्कि उसमें किस तरह से वर्क परफॉर्मेंस होता है, ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, सभी के बारे में जो है वो अध्ययन करना इस मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे हम लोग अध्ययन करते हैं इसका मुख्य काम होता है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. IO साइकोलॉजिस्ट who work in this area develop assessment and techniques to determine if employees are doing their job well. Performance management के द्वारा जो इसमें जो व्यक्ति work करते होते हैं उनका assessment किया जाता है, और अगर कोई व्यक्ति बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम देता है तो उसको उसका उसको जो है assess करके जो है उसके performance को जो है वो ध्यान में रख के उसके अंतर्गत जो है वो उसको विभिन्न तरह के रिइंफोर्स किया जाता है, उनको रिवॉर्ड इत्यादि की व्यवस्था जो है वो की जाती है. वर्क लाइफ. दिस एरिया फोकस ऑन इम्प्रूविंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कफोर्स.
इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट इज द फर्स्ट इज इन दिस एरिया माइट वर्क टू फाइंड वे टू मेक जॉब मोर रिवॉर्डिंग और डिज़ाइन प्रोग्राम्स दैट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द वर्क प्लेस. वर्क लाइफ जो है वो कैसे वो एक एम्प्लॉय को कैसे सेटिस्फैक्शन प्रदान कर सकता है और कैसे जो है वो अपने एरिया में जो है वो बेहतर बेहतर तरीके से सेटिस्फाइड होकर जो है वो काम कर सकता है और किस तरह से अपने काम को इम्प्रूव कर सकता है और कैसे वो जो है वो बेहतर अपने वर्क प्लेस में एक क्वालिटी ऑफ टाइम जो है वो जो स्पेंड करता है 8 या 9 घंटे जो एम्प्लॉई स्पेंड करता है अपने वर्क प्लेस पे वो कैसे बेहतर हो सके, कैसे वो काम को बेहतर तरीके से कर सके, इसके बारे में भी जो है वो हम लोग इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, समझते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. IO साइकोलॉजिस्ट हु वर्क इन दिस एरिया हेल्प इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन थ्रू इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एम्प्लॉय टेस्टिंग, लीडरशिप, वर्कप्लेस डाइवर्सिटी. ये सारे एरियाज़ जो हैं वो हम लोग जो हैं वो इसके बारे में पढ़ते हैं. प्रोडक्ट डिज़ाइन, इसमें जो है किस तरह से प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया जाए, कैसे जो है वो कंज्यूमर को किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं. एम्प्लॉय टेस्टिंग, बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा जो है वो एम्प्लॉय की टेस्टिंग की जाती है और बेटर बेस्ट सूट टू स्पेसिफिक जॉब रोल्स किस तरह से वो स्पेसिफिक जॉब ले सकते हैं. लीडरशिप, लीडरशिप का भी इसमें बहुत मुख्य रोल जो है वो इसमें अदा होता है क्योंकि एक वर्कर जो होता है या मैनेजर्स जो होता है या जो भी उच्च पद पे या निम्न पद पे जो भी आसीन होते हैं उनमें लीडरशिप की क्वालिटी सबसे बेहतर होती है टीम लीड करने के लिए, अपने वर्कर्स के साथ काम करने के लिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें इसके अंतर्गत हम लोग इसके बारे में भी पढ़ते हैं. वर्क प्लेस डाइवर्सिटी विद इन द एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी. प्रोफेशनल इन दिस फील्ड में हेल्प बिजनेस डेवलप हायरिंग प्रैक्टिसेस दैट फोस्टर ग्रेटर डाइवर्सिटी एज वेल एज ट्रेन एम्प्लॉय ऑन डाइवर्सिटी एंड इनक्लूजन. इस तरह से जो है वो हमारा जो है वो हम एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को इन सभी निम्न बिंदुओं के द्वारा हम बेहतर तरीके से जो हम इसको समझ सकते हैं और इस तरह से जो है वो हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ इसी एक ही पक्ष के बारे में नहीं बल्कि वो विभिन्न तरह के एरियाज़ के बारे में अध्ययन करता है. उसको हमारे वो किस तरह से वर्कर वहाँ वर्क करते हैं, मैनेजमेंट कैसे अपने वर्कर्स को किस तरह से बेहतर तरीके से कार्य करवा सकता है, उनको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, कैसे रिवॉर्ड दिया जाए, कैसे उनके दुर्घटना को कैसे रोका जाए, उनको एक कैसे बेहतर तरीके से कैसे हम उसका रिक्रूट कर सकते हैं, ये सब आदि के बारे में इसकी जानकारी जो है वो दी जाती है. सो थैंक यू.